ग्लोबलाइजेशन वर्सेस सोशल कैजिंग ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ है कि पूरी दुनिया जो है इट इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज जहाँ दुनिया में कोई एक डेवलपमेंट होती है दूसरी रियातें उसके ऑटोमेटिकली अंडर इन्फ्लुएंस आ जाती हैं सो नेशन स्टेट्स आर वाइडली फेसिंग द चैलेंज इन फॉर्म ऑफ द ऑन गोइंग फिनिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिफरेंस बिटवीन ग्लोबलाइजेशन of late 20th century and the global movements of the pre-industrial era is explained by man's conceptualization of state power as social change. the power of the modern state princip principally concerns a tightening state-society relations, gauging social relations over national terrain, thus go-politicizing polit फॉर मोर ऑफ़ सोशल लाइफ दैन हैड अर्लियर स्टेट्स अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन वर्सेज सोशल केजिंग की तो हम ये बात कह सकते हैं कि आज की दुनिया में जब ज़्यादा डिबेट हो रही है रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन और इसमें नॉर्मली जो बात की जाती है कि कहीं पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो उससे बाकी स्टेट्स अंडर इन्फ्लुंस आती हैं ऐसे ही कहीं पर अगर कोई कल्चरल एडवांसमेंट है फूड है आपका पहनने का रहने का जो तरीका है वो अब दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो गई हैं किसी ख़ास स्पेसिफिक एरिया तक लिमिटेड नहीं है लेकिन ये डिबेट आज जिस अंदाज में हो रही है इससे पहले भी जब दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो उस वक्त भी जो पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तो एक ख़ास एरिया तक लिमिटेड नहीं है ना इसके साइड इफ़ेक्ट्स इसकी इम्प्लीकेशन्स जो हैं इसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो भी दुनिया के अंदर इंसानों की जिंदगियों में चेंज ला रहे हैं सो द की आइडिया ऑफ केजिंग इज नॉट अबाउट टेरिटोरियल कन्फाइनमेंट बट अबाउट सोशल रिलेशंस विच वर प्रीवियसली कॉन्स्टिट्यूटेड एट लोकल लेवल्स नाउ बी रेगुलेटेड थ्रू नेशन स्टेट्स बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है दैट जो सोशल रिलेशंस होते हैं जब दुनिया में आबादी कम थी लोग छोटे छोटे यूनिट्स में थे तो उनके जो रिलेशनशिप थे वो अपने अपने यूनिट तक लिमिटेड थे लेकिन फिर वक्त बदला और वो जो सोशल रिलेशंस थे वो नेटवर्किंग की वजह से नेशन स्टेट तक फैल गए लेकिन फिर नेशन स्टेट से निकल कर, अब वही सोशल रिलेशन जो हैं वो ग्लोबलाइज हो रहे हैं उनकी नेचर जो है वो बदल रही है सो ट्रांस ट्रांसनेशनलिज्म वॉज द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट फॉर अर्ली कैपिटलिज्म दिस केजिंग प्रोसेस प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटल इकोनमी असल बात यही है जिसके ऊपर दुनिया के कंसर्न्स हैं कि जो कैपिटल सोसाइटीज़ हैं जो कैपिटलिस्ट हैं जिनके पास सरमाया है वो दुनिया को अपने तरीके से एक ऐसे आ, अपने दायरे में महदूद कर रहे हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है और उनके मुतन करदा जो केज है उसी के अंदर आज की दुनिया को रहना पड़ रहा है सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ लॉन्ग बीन मिसअरस्टूड एज द फिनना इम्पोज बाई माइक्रो प्रोसेस तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो कंसर्नस थे जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि ये सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेस है जिसके अंदर चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हैं तो अगर देखा जाए कि जितनी ज़्यादा जो इंटरनेशनलाइजेशन से जो फाइनेंस का फील्ड है उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं अगर एक जगह पे रहने वाला बंदा वो चाहे अफ्रीका में है एशिया में है मिडल ईस्ट में है कहीं भी है अगर उसके पास परचेजिंग पावर है तो वो अपने लिए कुछ भी बाय कर सकता है चाहे वो दुनिया में किसी भी खिते में किसी भी इलाके में रह रहा हो ऐसे ही वी कैन से दैट एज द मैन काइंड मूव्स टू अनदर सेंचुरी द एडेप्टेबिलिटी टू वर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन विल डेफिनेटली बी द फॉर्म फोकस इंस्टेड ऑफ़ रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट्स और डोमेस्टिक इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन अब इस सिचुएशन के अंदर जो एक्सपर्ट्स है उनका क्या ख्याल है वो किसके बारे में कंसर्न है वो ये कह रही हैं कि अगर किसी के पास इकनॉमिक कैपेबिलिटी है रिसोर्स है वो बाहर की चीज़ बाय कर सकता है तो जो इंटरनल जो रिसोर्स हैं जो लोग इंटरनली कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर उनका क्या बनेगा डेफ़िनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न है क्योंकि विद इन स्टेट अगर स्टेट ने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज ना किया स्टेट के अंदर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन ना किया गया तो वो लोग जो कैपिटलिस्ट हैं जो सरमायादार हैं या वो निज़ाम जो सरमायादार हैं वो निज़ाम पहले ही डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं वो स्टेट को दुनिया के निज़ाम को अपने अपने तक महदूद रखते हैं तो फिर वो मुल्क वो नेशन स्टेट्स और वो लोग जिनके रिसोर्स लिमिटेड हैं उनके लिए कैसे मुमकिन होगा कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को मेकश्योर sure करें और कैसे पॉसिबल होगा कि वो अपने आप को इस नए दौर के अंदर जब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है जब उनको कंपीट भी करना है लेकिन सर्वाइव भी करना है सो फॉर द सर्वाइवल दे हैव टू बिल्ड दे हैव टू फोकस ऑन टू बिल्डिंग देयर नेशनल and state capability.